इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत सारी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात करें तो गिनी चुनी ही इलेक्ट्रिक बाइक्स हमें मार्केट में दिखती हैं। चलो अब एक और इलेक्ट्रिक बाइक है जो जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रही है। स्विच मोटो कॉर्प नाम से एक स्टार्टअप कंपनी है जिनकी CSR 762 इलेक्ट्रिक बाइक इंडियन मार्केट में अगस्त मंथ में लॉन्च होने वाली है। इस बाइक की इंटरनल टेस्टिंग कम्प्लीट हो गई है, करंटली ये सर्टिफिकेशन स्टेज में है और अथॉरिटी से अप्रूवल मिलने के साथ ही इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस बाइक का जो फ्रंट डिज़ाइन है वो गुजरात की फेमस एशियाटिक लायन से इंस्पायर है। बाकी आपको इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एयर इनटेक अच्छा है, इससे बाइक में कूलिंग बनी रहेगी और बैटरी फायर एक्सीडेंट जैसे इंसिडेंट होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। बाकी हमें यहाँ पर फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। 3 किलोवाट का हमें यहाँ पर PMSM मोटर मिलने वाला है जो कि अप टू 10 किलोवाट की पीक पर अचीव कर सकेगा। 110 किलोमीटर यहाँ पर टॉप स्पीड होने वाली है। यहाँ पर हमें 3.7 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जो कि सिंगल चार्ज में अप टू 120 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करेगी डिपेंडिंग ऑन द राइडिंग मोड्स। इस बाइक में हमें 6 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, 3 तो इसमें नॉर्मल राइडिंग मोड्स होंगे, इसके अलावा एक स्पोर्ट मोड का फीचर होगा और फिर पार्किंग एंड रिवर्स मोड का भी फीचर होगा। इस बाइक का टोटल वेट है अराउंड 155 kg और इसकी लोड कैपेसिटी है 200 kg और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग का ऑप्शन होगा। इसके लिए कंपनी को प्रॉपर अपना स्वैपिंग स्टेशन भी बिल्ड करना होगा। इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग रफली 1.65 लाख रुपीज़ होने वाली है, लेकिन यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें लगभग 40,000 की सब्सिडी मिलेगी, तो इसकी एक्सोरूम प्राइस अराउंड 1.25 लाख रुपीस होगी। ये बाइक रिवोल्ट RV 400 और टॉर्को क्रॉथोस जैसी इलेक्ट्रिक बाइक से कम्पीट करेगी। बाकी आप इस बाइक के बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।